खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरेवास क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। 75-76 वर्ष हुए महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बाबा साहब, सब लोगों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी। और आज तो आजादी का दिन है, और आजादी आसानी से नहीं मिली। अभी थोड़े दिन पहले राहुल गांधी आए थे मानगढ़ धाम पर, जलियांवाला बाग से भी बड़ा बलिदान आदिवासियों के द्वारा वहां पर किया गया। हम हमारी हिस्ट्री को पढ़ना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। ध्यान रखना, जो लोग भारत के इतिहास को ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे वो हमेशा सही फैसला लेंगे। और सही फैसला मैं तो खुल के कहता हूं, कोई जरूरी नहीं है कि आप अशोक गहलोत जी की तारीफ करें, लेकिन यदि अशोक गहलोत जी का और कांग्रेस का काम अच्छा हो तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ऐसे लोगों के हाथ मजबूत करें कि इनको देखकर बाकी लोग भी सीख सकें और इनके रास्ते पर चल सकें। सवाल इस बात का नहीं है कि राजस्थान में सरकार हमारी है, हम हमारी तारीफ कर रहे हैं। प्रश्न इस बात का है कि भारत में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और काम के आधार पर फैसला होना चाहिए, बातों के आधार पर नहीं। आजकल नया सिस्टम डेवलप हो गया जो जितना बयान ठोक कर दे दे, और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल गई। ना तो तलवार चलानी है किसी को, ना बंदूक चलानी है। सोशल मीडिया पे किसी को टोपी पहना दो, किसी की टोपी खोल दो, किसी को साफा पहना दो, किसी को धोती पहना दो। अरे भाई साहब, ये नया धंधा चालू कर दिया आपने, आप क्या कर रहे हो? कभी अशोक गहलोत जी का फोटो बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, कभी राहुल गांधी जी का फोटो बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तय कर लेना ये हानि लाभ, यस अपयस, ये सब उस सुदर्शन चक्र वाले के हाथ में, और उसका आशीर्वाद हमारे साथ है। आप इस बात को ध्यान रखना, वो भेदभाव नहीं करता, वो बराबर से हिसाब करता है। और मैं खुलकर कह रहा हूं, पिछले शासन 5 वर्ष के भी थे राजस्थान में, बीजेपी की सरकार थी, मुझे लोगों ने कहा अभी यहां पे पूरे देश में पेट्रोल डीजल के भाव बहुत ज्यादा है, सब जगह एक ही आग लगी हुई है। नौजवान कहता है पेट्रोल डीजल सस्तो करा दो, मैं खटों करा दे। वो सस्तो पेट्रोल डीजल कराबा नहीं तो 500 रुपया में सिलेंडर दे रहा है, 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं। 78 लाख परिवारों को इसका फायदा मिलेगा, 78 लाख, 100 यूनिट तक बिजली फ्री, और सरचार्ज खत्म कर दिया बिजली पर। आपकी जेब में जो पैसा बच रहा है, वो पैसा इसलिए बचाने की कोशिश चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस की सरकार कर रही है, जिससे आपके परिवार में महंगाई को लेकर परेशानी नहीं हो, टेंशन क्रिएट नहीं हो। हम महंगाई से बचाना चाहते हैं। महंगाई राज शिविर लगाए, लोगों की भीड़ लग गई, लाइन लग गई। मेरे से लोगों ने कहा चुनाव आ रही है ना,